असलकुम वेलकम टू द फर्स्ट लेसन क्योंकि ये हमारा पहला लेसन है तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि इंस्टाग्राम पर एक शॉप सेटअप करते कैसे हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि इंस्टाग्राम पर ये शॉप कैसे हम बना सकते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और अगर आप ये सीख जाएं, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं अगर आपके पास अपना बिजनेस ना भी हो तो इसके इसमें आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं क्योंकि जितने भी ब्रांड्स हैं जितने भी शॉप्स हैं जितने भी स्टोर्स हैं वो अब सब ऑनलाइन रिटेल कर रहे हैं और ई कॉमर्स बिजनेस भी हैं जो जिसकी सारी ख़रीदो फरोख्त होती ही ऑनलाइन है आप किसी भी शॉप या ब्रांड के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले लोग उनको इंस्टाग्राम पर ढूंढते हैं या गूगल पर ढूंढते हैं इंस्टाग्राम पर शॉप होना एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको ये करना आ जाए वो किसी भी बिज़नेस के लिए एक बहुत इम्पॉटेंट एसेट हो सकता है और वह अपने लिए एक बहुत अच्छी जॉब सिक्योर कर सकता है जिससे वो पाँच सौ से हज़ार डॉलर मिनिमम कमा सकता है तो इंस्टाग्राम पर एक शॉप सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इंस्टाग्राम ज़ाहिर सी बात है तो इंस्टाग्राम की ऐप आप, आप डाउनलोड करें और फिर उसके ऊपर एक अकाउंट सेटअप करें जब ऐप खुल जाए तो सबसे पहले आप क्लिक करें क्रिएट न्यू अकाउंट पर आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आएगी क्रिएट यूज़र नेम आप इस और इसमें खाली जगह होगी इसमें आप अपनी शॉप का नाम लिखें और उम्मीद करें कि आपको आपकी शॉप का यूज़र नेम मिल जाए जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारी शॉप जो है वो होम डिकोर की शॉप है और हमारी शॉप का नाम है द होम स्टोर ठीक है अब हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो इंस्टाग्राम यूज़र नेम है वो भी द होम स्टोर ही हो ताकि हमारी ब्रांड की आइडेंटिटी हम मेंटेन कर सकें तो यहाँ पर आप अपनी शॉप का नाम लिखें द होम स्टोर और नेक्स्ट पे क्लिक करें अब वो यहाँ पर कह रहा है कि द यूज़र नेम द होम स्टोर इज़ नॉट अवेलेबल अगर ये अवेलेबल ना हो तो इसके साथ आप ऑफिशल का वर्ड लगा लें या शॉप का वर्ड लगा लें जैसे शॉप द होम स्टोर या द होम स्टोर ऑफिशियल हम ट्राई करते हैं कि हम द होम स्टोर ऑफिशियल इस्तेमाल करके देखें अगर आपको द होम स्टोर ऑफिशियल या शॉप द होम स्टोर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये नहीं मिलता तो फिर आपको फुल स्टॉप या फिर अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा ये थोड़ा सा अनप्रोफ़ेशनल लगता है लेकिन हमारे पास कभी कभार ऑप्शन नहीं होती तो हमें ये करना पड़ता है लेकिन जो बेहतरीन तरीका है जो सबसे अच्छा प्रेफर्ड तरीका है वो ये है कि वही ओरिजिनल नाम किसी एक्स्ट्रा वर्ड के बग़ैर या किसी एक्स्ट्रा फुल स्टॉप या किसी एक्स्ट्रा और कैरेक्टर के बग़ैर इस्तेमाल किया जाए लेकिन मैं ये बाकी आपको ऑप्शन सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप ये स्टेप करने लगें तो आपको ये प्रॉब्लम अगर फेस हो तो आपको उसका सलूशन मालूम हो कभी भी अपने ब्रांड के ऑफिशियल नेम के साथ नंबर्स ना लगाएं यानी अगर आपका होम स्टोर नाम है तो उसके आगे आप वन टू थ्री फोर या थ्री टू वन या अपना डेट ऑफ बर्थ या ईयर ऑफ़ बर्थ मत लगाएं और उसकी वजह यह है कि आपकी ब्रांड की एक आइडेंटिटी होती है एक नाम होता है अगर किसी को आपको ऑनलाइन ढूंढना है तो उनको तो नहीं मालूम होगा कि आपने आगे वर्ड्स लगाएं नंबर्स लगाए हुए हैं या कोई और कैरेक्टर्स लगाए हुए हैं तो जितना वो क्लोज़र टू द रियल नेम होगा उतना लोगों के लिए आसान होगा तो कोई आपको अगर इंस्टाग्राम पे आपकी शॉप ढूंढता है तो उसके लिए आसान होना चाहिए कि वो बस वही शॉप का नाम लिखे और उसको वो फ़ॉरन से मिल जाए लोगों को अदरवाइज़ बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी कि पता नहीं ये वही स्टोर है वही स्टोर नहीं है इनका यूज़र नेम क्या है और वो आपको ऑनलाइन ढूंढते ही रह जाएंगे जितना आसान है उनके लिए आपको ढूंढना उतना आपकी शॉप के लिए आपके बिज़नेस के लिए बेहतर है एक और चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है कि जो हैंडल यानी जो यूज़र नेम आप इंस्टाग्राम पर बनाते हैं वही यूज़र नेम आप फेसबुक के लिए भी बनाएं वही यूज़र नेम आप ट्विटर के लिए भी बनाएं ताकि आपकी ब्रांड में एक यूनिफॉर्मिटी आए तो अगर आपने इंस्टाग्राम पर बनाया है द होम स्टोर ऑफिशियल तो आपका फ़ेसबुक पे भी वही होना चाहिए आपका ट्विटर पे भी वही होना चाहिए इस तरह लोग आपको हर प्लेटफॉर्म पे आराम से ढूंढ पाएंगे आपको गूगल पे भी आराम से ढूंढ पाएंगे और उनकी कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट स्टेप यह है कि आप अपनी इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाएं, ऐसे और अकाउंट पर टैप करें जो आपको थोड़ा सा नीचे जाकर नजर आएगा ठीक है इसके बिल्कुल एंड में लिखा होगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट क्योंकि ये कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है ये किसी इंसान का नहीं है ये एक ब्रांड का है एक स्टोर का है एक शॉप का है तो इट हैज़ टू बी अ प्रोफेशनल अकाउंट जिसमें आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगी आ, एक होगा क्रिएटर एक होगा बिजनेस क्रिएटर जो है आपके कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स इनके लिए होता है लेकिन क्योंकि आप एक बिज़नेस अकाउंट हैं एक शॉप अकाउंट हैं तो आप बिज़नेस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट दबाएंगे ठीक है उसके बाद आपको एक लिस्ट मिलेगी कैटेगरीज़ की फिर जो मुनासिब आपकी कैटेगरी बनती है जिसके अंदर आपका बिजनेस आता है जिसके अंदर आपकी शॉप आती है उसको आप सिलेक्ट करें जैसे यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें शॉपिंग एंड रिटेल ठीक है और नेक्स्ट कर दें उसके बाद एक कॉन्टैक्ट इन्फ़ो का पेज आएगा जिस जिसको आप जो भी आप इंफॉर्मेशन अपनी चाहते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी ई फ़ोन नंबर वो आप इसमें ऐड कर दें फिर आपके पास ऑप्शन आएगी टू कनेक्ट टू तु फेसबुक सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप फेसबुक से कनेक्ट कर लें और फेसबुक के साथ उसको लॉगिन कर लें ताकि आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक आपस में कनेक्टेड हो और जो आप वहाँ पोस्ट करें वो आप उधर भी शेयर कर सकें और एक को आ जाए अब मैं प्रोफाइल सेटअप करना आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगी उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि इंस्टाग्राम पर आपके पास क्या क्या ऑप्शन और क्या क्या टैब्स होते हैं ताकि आप उनको समझ सकें तो बिल्कुल नीचे आपके पास चार टैब्स होते हैं ठीक है एक है आपका होम पेज ठीक है इधर आपकी सारी अपडेट्स आती हैं जिस जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं उसकी अपडेट्स यहाँ पर आएंगी जैसे अगर मैं कुछ पेजेस को इधर फॉलो कर लूँ तो उन सारों की अपडेट्स इस होम पेज के ऊपर आएंगी ठीक है फिर आपका होता है ये सर्च सर्च वो है जिधर आप दूसरी प्रोफाइल्स डिस्कवर कर सकते हैं आपके पास बहुत सारे रैंडम लोगों का कंटेंट आ, आ रहा होता है जिनको आप फॉलो नहीं भी कर रहे होते हैं। और ऊपर आपके पास सर्च की ऑप्शन होती है जहां आपने किसी को ढूंढना है तो आप यहां प्रेस करके ढूंढ सकते हैं आप के पास ये कैटेगरीज भी ऊपर आ रही होती हैं उस हिसाब से आप लोगों को डिस्कवर कर सकते हैं अकाउंट्स डिस्कवर कर सकते हैं एक बिज़नेस और शॉप जो है वो अपने से सिमिलर अकाउंट्स को फॉलो करेगी तो जितने भी और होम डेकोर के पेजेस हैं आप उन्हें सर्च करके उन्हें फॉलो करें या आप इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर सकते हैं जो इन जो होम डेकोर या होम इंटीरियर की कैटेगरी में काम करते हैं या लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फिर आपका ये है हार्ट जहाँ बना होता है ये आपकी एक्टिविटी होती है कि आपकी सारी नोटिफिकेशन यहाँ आती हैं कि किसने आपकी पोस्ट लाइक की आपने किसकी पोस्ट लाइक की वगैरह वगैरह और ये जो लास्ट है ये आपका अपना प्रोफाइल पेज होता है जिसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने अपनी प्रोफाइल अभी सेट नहीं की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी प्रोफाइल कैसे सेट करनी है बीच में जो ये प्लस साइन है ये आपका अपलोड करने के लिए होता है कि अगर आपने कोई वीडियो या पिक्चर डाली हो तो वो आप यहाँ से डालते हैं ठीक है और इधर ऊपर वाले एरिया में यहाँ आपकी सारी स्टोरीज़ अपीयर होती हैं जिसको भी आप फॉलो कर रहे होते हैं उनकी स्टोरीज़ अपीयर होती हैं तो ये एक ओवरऑल समरी है कि इंस्टाग्राम पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या चीज़ करने के लिए आपको कौन से टैब में जाना है अब हमने अकाउंट्स तो बना लिया लेकिन आपकी शॉप की हर चीज़ आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करती है कि प्रोफाइल आपकी कैसी सेटअप है कैसी लगती है जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी एक अच्छी शॉप सेटअप करने का मतलब है एक अच्छी प्रोफाइल सेट करना ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे